हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होम शेफ। आज हम बनाने वाले हैं स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स इन हॉट गार्लिक सॉस विथ नूडल्स। और हाँ, अगर आपके पास नूडल्स अवेलेबल नहीं है तो मैं उसका भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको बताने वाली हूँ। तो देखते रहिए रेसिपी और बनिए रहिएगा मेरे साथ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ मिक्स वेजिटेबल्स ली हैं, जैसे कि अनियन, बेल पेपर्स, ब्रोकली, मशरूम, कैरेट्स। आप चाहें तो बीन्स भी ले सकते हैं या फिर आप बेबी कॉर्न भी ले सकते हैं। द चॉइस इज़ अप टू यू। और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ लिए हैं ये धनिए की डंडी। जी हाँ, जो धनिए की पीछे की स्टेम्स होती हैं उनको मैंने ले लिया है। इसका टेस्ट चाइनीज़ फूड में बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैंने कुछ धनिया लिया है गार्निश के लिए। साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है चॉप्ड लहसुन और अदरक। जी हाँ, अब गार्लिक सॉस है तो हमें इतना सारा गार्लिक तो चाहिए ही होगा। और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ सॉसेस ले ली हैं, जिसमें है आपकी सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस और है साथ में विनेगर। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं, या फिर दोनों ही नहीं है तो उसका ऑप्शन भी मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पर लिया है हमने कॉर्नफ्लोर, इसका भी हम एक पेस्ट बना के रख लेंगे। हम ये सब इसलिए पहले से मिक्स करके रख रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग बहुत हाई फ्लेम पे की जाती है, तो अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स रेडी नहीं रखेंगे तो आपकी चीज़ें जल जाएंगी। और साथ ही में हमें सीजनिंग के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर, और इसके अलावा कोई मसाले नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है हाई फ्लेम पर, और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ध्यान रखना है कि आपको हाई फ्लेम पे ही ये कुकिंग करनी है, तभी वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो पाएंगी। इसे स्टर फ्राई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे स्टर करते करते फ्राई करना होता है, इसीलिए इसे स्टर फ्राई कहते हैं। तो चलिए, हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी हमारा अदरक और लहसुन। इसे हमें हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। और सबसे पहले हम ऐसी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे जिनका कुकिंग टाइम ज़्यादा है, जिन्हें पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले अनियन डाल देंगे, साथ ही में मशरूम्स, और अगर आप बीन्स और बेबी कॉर्न ले रहे हैं तो उन्हें भी इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ऐड कर दिए हैं कैरेट्स और ब्रोकली। ब्रोकली की जगह पर आप नॉर्मल गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। लगातार चलाते हुए आपको पकाना है, ये ध्यान रखें क्योंकि हमारी फ्लेम इस टाइम पर काफ़ी हाई है, तो कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए। अब जो हमने सॉस का मिक्सचर बना के रखा था उसे भी यहाँ पर डाल देंगे। हमें इन सॉसेस को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। कुक की हुई सोया सॉस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जले ना, लगातार इन्हें चलाते रहिए। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो इस टाइम पर आप दो साबुत लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं और लास्ट में उन्हें निकाल लीजिए, उसका टेस्ट आ जाएगा। जैसे ही सॉसेस पक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो। जैसे ही ग्रेवी में बॉईल आ जाए हम इसमें वो कोरिएंडर स्टेम्स डाल देंगे, जो धनिया की डंडी हमने रखी थी उसको मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही में हम अब डाल देंगे बेल पेपर्स। जितनी भी यहाँ पर सब्जियाँ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है। सब्जियों में एक क्रंच रहना चाहिए, पूरी तरह से गलनी नहीं चाहिए, तभी चाइनीज़ फूड का मज़ा आता है। अब हम यहाँ पर सीजनिंग चेक कर लेंगे क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, इसीलिए मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया है। एक बार टेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, और साथ ही में ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी वेजिटेबल्स तो कुक हो गई हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी थी। लेकिन एक बार कॉर्नफ्लोर को दोबारा अच्छे से ज़रूर मिक्स कीजिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, और आप देखेंगे कि कॉर्नफ्लोर ऐड करते ही हमारी ग्रेवी जो है वो थिक होने लग जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आप ग्रेवी को बढ़ा भी सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। इंग्रेडिएंट्स के लिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो अब हमारी वेजिटेबल्स तो पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं, इसे रखते हैं साइड पे और करते हैं नूडल्स की तैयारी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी बॉईल होने रख दिया है, और साथ ही मैं उसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक और वेजिटेबल ऑयल।
इससे हमारे नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं और उनमें हल्का सा नमक का टेस्ट भी आएगा। और नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं मैगी नूडल्स। जी हाँ, अगर आपके पास हक्का नूडल्स नहीं हैं घर पे अवेलेबल और आपका ये डिश खाने का मन कर रहा है, तो आप मैगी नूडल्स को भी नॉर्मल नूडल्स की तरह बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया है। इन नूडल्स को अब हम बॉईल कर लेंगे। बीच बीच में आप इन्हें चलाते रहिए और सेपरेट करते रहिए। हमें नूडल्स को लगातार चलाते हुए बॉईल करना है ताकि ये इवनली कुक हो, यानी कि नीचे के नूडल्स जो है नहीं तो ज़्यादा बॉईल हो जाते हैं और ऊपर वाले नहीं हो पाते हैं। और हमें इन्हें सिर्फ 90% तक कुक करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, वरना जब हम उन्हें कुक करेंगे तो वो मशी हो जाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे नूडल्स कुक हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इन्हें एक छन्नी में छान लेंगे। मैं इन नूडल्स को अभी कुक कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कोई ऑयल नहीं डाला है। अगर आप थोड़ी देर में कुक करने वाले हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के छोड़ दीजिए ताकि वो आपस में चिपके नहीं। अब नूडल्स प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म करने रख दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, और ऑयल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक। इन नूडल्स को आज मैं बहुत ही बेसिक रखने वाली हूँ, क्योंकि आज हम इसे सर्व कर रहे हैं हमारे ग्रेवी वाले वेजिटेबल्स के साथ, तो किसी भी और टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल्स वैसे ही बहुत टेस्टी होने वाली हैं। तो जैसे ही हमारा जिंजर गार्लिक कुक हो जाए हम इसमें नूडल्स को डाल देंगे, और ये सब काम भी हमें हाई फ्लेम पर करना है और इन्हें लगातार चलाते हुए कुक कर लेंगे। और चलिए अब हम इन नूडल्स को सीजन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने बॉईल करते टाइम भी डाला था, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिए। और साथ में ब्लैक पेपर। और सॉस में मैंने यहाँ पर सिर्फ सोया सॉस और विनेगर लिया है। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। देखिए, आज मैंने आपको हर चीज़ का अल्टरनेटिव बताया है कि आप किस जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा, ये रेसिपी आपको बनानी ही होगी। अब हमने यहाँ पर नूडल्स को गार्निश कर लिया है थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर के साथ और इसे एक फाइनल मिक्स दे देंगे। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो रेडी है हमारे वेजिटेबल्स इन हॉट गार्लिक सॉस विथ नूडल्स। लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग। आज ही बनाइए इसे और इंजॉय कीजिए। और हाँ, मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने यहाँ पर इसे गार्निश किया है फ्रेश कोरिएंडर के साथ, लेकिन अगर आपके पास ग्रीन अनियन यानी कि स्प्रिंग अनियन अवेलेबल है तो आप उसकी ग्रीन वाले पार्ट को भी इसमें डाल सकते हैं। चाइनीज फूड में वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय।